कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अनिल कुमार जैन, वाइस प्रेसिडेंट पैलेस टनल व श्रीमती सीमा जैन, श्री असीम कुमार एवं श्रीमती हिमानी जैन, चिन्मय जैन नोया, एविका जैन याना, श्री अनुज जैन व श्रीमती सोनम जैन, कियान बाबू, श्री अक्षय जैन, छोटू भैया। लाइफ को अच्छा बनाने के लिए अपन सभी लोग कुछ चर्चा कर रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं क्या हमारे भीतर होना चाहिए और क्या हमारे भीतर घटना चाहिए। एक अच्छी घटना को बनाने के लिए कुछ घटना भी चाहिए। क्या घटना चाहिए? डिडक्शन होना चाहिए जो हमारी कमियां हैं, हमारी स्ट्रेंथ जो है उसमें हम और परिष्कृत का भाव लेकर के आए, उसे और रिफाइन बनाना हम सीखें। कल हम सभी लोगों ने तीन तरीके से अपने स्ट्रेंथ के बारे में समझा था। आज थोड़ा सा विषय और आगे बढ़ाते हैं। When you were born, you cried while the world rejoiced. Live your life in such a way when you die. World cries and you rejoice. क्या कहा? जब आप पैदा हुए थे संसार खुशियां मना रहा था और आप रो रहे थे। जिंदगी इस प्रकार जीना चाहिए, जब आप इस दुनिया से जाओ आपके मुख पर हंसी हो और दुनिया की आंखों में आंसू हो। हर व्यक्ति का जन्म होता है तो दुनिया वाले ही बड़े प्रसन्न होते हैं, खासकर फैमिली मेंबर्स, पेरेंट्स। हर एक के चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, लेकिन जो पैदा होता है वो रोते हुए आता है। कुछ पंक्तियां आपने सुनी होंगी, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा। रोते हुए सब आते हैं, लेकिन जो हंसता हुआ जाता है वो ही सिकंदर कहलाता है। जब हम रोते हुए आते हैं तो हर एक व्यक्ति हंसता है। जब हम जाएं तो क्या होना चाहिए? कैसे संभव होगा कि हमारे वियोग में दुनिया की आंखों में आंसू? परिवार की बात नहीं कर रहे, परिवार की आंखों में तो आंसू हो ही आते ही। निकृष्ट से निकृष्ट व्यक्ति भी यदि चला जाए तो दो आंसू बहा ही देते हैं। बात तो उनकी है जिन्हें हमसे कुछ लेना देना नहीं है, उनकी आंखों में आंसू बज रहे हैं। जो हमारे फैमिली मेंबर नहीं है उन्हें गम हो, पीड़ा हो, तो बताइए आप अपनी जिंदगी कैसे जी रहे हैं? आपकी लाइफ से किसी को कोई फर्क पड़ता है कि नहीं? पड़ता है, हर एक की लाइफ से किसी ना किसी को फर्क पड़ता है, पड़ता है ना। अब वो फर्क दो तरीके से पड़ता है। आपके होने से किसी को परेशानियां होती,
उसका दिमाग खराब होने लगता है, वो हमेशा कोसते रहता है नहीं कहाँ के मिल गए, इससे अच्छा ना मिलते तो ज्यादा अच्छा, कहाँ की कंपनी मिल गई, कहाँ का संबंध हो गया, कहाँ की सराउंडिंग मिल गई, ऐसी सराउंडिंग से कुछ मिला ही नहीं आज तक, सिवाय कष्ट के, सिवाय दुख के, सिवाय टेंशन्स के, सिवाय विकल्पों के। फर्क तो पड़ता है, प्रत्येक व्यक्ति के रहने से दूसरों को फर्क पड़ता है, लेकिन इस फर्क की बात नहीं कर रहे, दूसरे फर्क की बात कर रहे। आपके ना रहने से वो दुखी हो जाए कि जब जब आप रहते हैं तब तब वो हंसते रहते हैं, आश्वस्त रहते हैं, टेंशन फ्री रहते हैं, उन्हें विश्वास रहता है कि मेरे पीछे जो है, मेरे साथ जो है, वो मुझे संभालेगा, सपोर्ट देगा, गाइड करेगा, अच्छा रास्ता दिखाएगा। आपके रहने से उसे एक मोटिवेशन मिलता है, एक उत्साहवर्धन होता है, आपके रहने से उसके जीवन में आनंद ही आनंद पैदा होने लगता है। भले ही आप कुछ ना करो, कुछ ना कहो, बस प्रेजेंस मात्र से एक अलग ही पॉजिटिव वाइब्स आने लगती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी एक प्रेजेंस ही एनवायरनमेंट को एकदम फर्स्ट क्लास बना देती है, वहाँ अच्छा फील अपने आप होने लगता है, वाइब्रेशन वहाँ की पॉजिटिविटी से भरी हुई होती है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं उनके आते ही वहाँ पर नेगेटिव वाइब्स आने लगती हैं, होता है। जीवन में कई बार ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनसे मिलकर के ऐसा लगता है यहीं बैठे रहो, इनसे बात करते रहो, इन्हें देखते रहो, वो कुछ ना भी कहें तो उस व्यक्ति का ऑरा इस प्रकार का होता है कि उस ऑरे से सभी लोग प्रभावित होने लगते हैं, उसका एक आभा मंडल होता है और उस ऑरा के द्वारा ही वहां का एटमॉस्फेयर पॉजिटिव वाइब्रेशन से भर उठता है। तो आप बताना, आप जहां रहते हो, जिनके साथ रहते हो, आपकी सराउंडिंग एक पॉजिटिव वाइब से भर जाती है कि नेगेटिव वाइब से भरती है। फैमिली मेंबर्स की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो चाहेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। पशु भी अपने बच्चे को चाहता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं चाहता। कुत्ता बिल्ली सब चाहते अपने बच्चे। बात तो तब है जो एकदम हमसे डिफरेंट है, अलग है, उनकी बात कर रहे हैं। जहां आप जॉब करते हैं, जहां पढ़ाई करते हैं, जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, जो आपका फ्रेंड सर्कल है, तो क्या कैसा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है? एनवायरनमेंट तभी अच्छा क्रिएट होगा जब उसके भीतर सेम पॉजिटिविटी होगी, उसके भीतर एक अलग प्रकार का उत्साह होगा, वो दुनिया को, हर दृश्य को बहुत अच्छे दृष्टिकोण से देखता होगा, जो कभी निराश नहीं होता होगा, हताश नहीं होता होगा, प्रतिकूलताओं में भी वो अच्छाइयां ढूंढ लेता है, समस्याओं में भी वो समाधान ढूंढ लेता है, वो घबराता नहीं, डरता नहीं। कैसे संभव होता है ऐसा व्यक्तित्व बनना, बता रहा हूं मैं। यहां पर क्या सीखने के लिए आ रहे हैं आप? हम कुछ आपको धर्म का ज्यादा ज्ञान नहीं देंगे, क्योंकि आप लोग बहुत सारा धर्म पढ़ चुके हो, सुन चुके हो, देख चुके हो, ओवरडोज हो गया धर्म का ऐसा लगता है ना, ओवरडोज होने पर फिर वो अपच होने लगता है, इनडाइजेशन होने लगता है,
आज ऐसा लगता है धर्म का भी इंडाइजेशन होने लगा है, नहीं होने लगा। बहुत कुछ व्यक्ति सुनता है, इतने सारे प्रवचन सुनता है, इतनी सारी चीजें पढ़ता है, देखता है, तो अजीर्ण जैसे होने लगा है। अभी अपन यहाँ पर प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं, जीवन को अच्छे बनाने की बातें कर रहे हैं। तो बताइए कैसे संभव होता है, हम जहाँ रह रहे हैं चारों तरफ का माहौल बड़ा अच्छा हो जाए, दुनिया का हर व्यक्ति आपको लाइक करे, चाहते हो कि नहीं? आपको कितने लोग चाहते हैं कि लाइक लाइक सबके बढ़ना चाहिए। एफबी की बात नहीं कर रहे हैं, आप कोई पोस्ट डालते हैं, अपलोड करते हैं, कोई फोटोग्राम डाल देते हो इंस्टा में, डाल देते हो, सबसे ज्यादा क्या सर्च करते हो, लाइक्स कितने मिले। यही है ना, एक नई ड्रेस आती है उसकी फोटोग्राफ, कहीं जाते हो आउटिंग में जाते हो, घूमने के लिए जाते हो, रेस्टोरेंट जाते हो, कोई मूवी जाते हो, कोई बर्थडे पार्टी जाते हो, कोई भी एक फंक्शन होता है, क्या पोस्ट करते हो आप लोग बताना। और अंदर फीलिंग क्या होती है उस पोस्ट को डालने की, हाँ कितने लाइक्स आए, कितने शेयर आए, कितने व्यूज आए, यानी एक ह्यूमन मेंटेलिटी है कि वो चाहता है कि दुनिया वाले उसे लाइक करे। हर व्यक्ति चाहता है कि कोई भी ये है नहीं है, ऐसा नहीं है कि जो ना चाहता हो उसे डिसलाइक किया जाए। मनुष्य की एक मानसिकता है, हर एक मनुष्य की मानसिकता होती है, फेम की चाह, प्रसिद्धि की, ख्याति की, नाम की, पसंद की चाह, हर एक की होती है। बड़े से बड़े आदमी भी होता है ना, पढ़ा लिखा होता है, कोई डिग्री मिल जाती है और यूनिवर्सिटी से आपको डिग्री मिलती है तो आपके तुरंत आप तुरंत फोटो अपलोड कर देते हैं। अंदर क्या चाह रहती है बताओ तो सही, कौन सी चाह है अंदर आपके? लाइक्स। अच्छा वो लाइक्स बहुत ज्यादा आ जाते हैं तो उससे क्या मिलता है आपको? आपकी उस पोस्ट को 100 लोगों ने देखा, 500 ने देखा, 5000 ने देख लिया। चलो 5000 ज्यादा हो गए, बहुत हो गया, 100 में चलता है, 2 डिजिट चलता है, 3 डिजिट में चलता है, 3 में आ जाता है, 100 तक तो पहुंच ही जाते हैं उनकी स्थान कर। सपोज 100 लोगों ने, 500 लोगों ने शेयर कर लिया, लाइक कर लिया, तो क्या विटामिन डी की काम करता है, विटामिन एम का काम करता है, विटामिन B12 का काम करता है, क्या काम करता है? हम थोड़ा जानना तो चाहते हैं। डॉक्टर साहब बताओ, डॉक्टर प्रतीक आप बताओ, वो लाइक्स क्या काम करता है मेडिकल साइंस के अनुसार? नहीं, एक साइकोलॉजी है उसके पीछे बहुत बड़ी, एक मनोविज्ञान है, उसको समझने की कोशिश कर रहा है और इस मनोविज्ञान को जिसने एनकैश कर लिया वो बहुत कमा रहा है। बड़ी बड़ी कंपनीज जो सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा फैली हुई है, बड़ी बड़ी कंपनी, जब फेसबुक स्टार्ट हुई थी जो उसके फाउंडर मेंबर्स थे, उनका कंसेप्ट ये था कि दुनिया को कुछ ऐसा देना है कि दुनिया वाले इसके पीछे पागलों की तरह लग जाए, एडिक्शन हो जाए। और उन्होंने मनुष्य की सबसे बड़ी दुखती रग को पकड़ लिया, सबसे बड़ी कमजोरी पकड़ ली थी। और सबसे बड़ी कमजोरी जो है हर एक व्यक्ति की, नाम की चाह सबसे बड़ी वीकनेस है। प्रसिद्धि, कुछ मिलना चाहिए, फेम होना चाहिए, नेम एंड फेम। तो उन्होंने इस साइकोलॉजी को पकड़ा और उसी साइकोलॉजी को देख करके वो डेवलपमेंट किया। कैसे होगा, कुछ ऐसा बनाया जाए, कुछ ऐसा क्रिएट किया जाए जो बाहर से बहुत अच्छा लगे लेकिन भीतर ही भीतर है व्यक्ति को खोखला बना। और आज दुनिया पागल है, नहीं पागल,
तो साइकोलॉजी क्या बोलती है बताओ डॉक्टर साहब, क्यों ऐसा होता है कि व्यक्ति लाइकिंग सबसे ज्यादा चाहता है? महाराज जी साइकोलॉजी के हिसाब से ये रहता है कि अगर लाइक ज्यादा मिलते हैं तो हैप्पी हार्मोन रिलीज होने लगता है, जिसके कारण सेटिस्फेक्टरी लेवल और बहुत हैप्पीनेस आने लगती है, एक्सट्रीम हैप्पीनेस फील करते हैं, डोपामाइन रिलीज होने लगता है, है ना। एक हार्मोन होता है ब्रेन से रिलीज होता है डोपामाइन। जब व्यक्ति खुश होता है प्रसन्न होता है तो डोपामाइन जो हार्मोन है इसका सिक्रीशन बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है, पर एक लिमिट तक ही वह हेल्पफुल होता है, हेल्दी होता है, उसके बाद वो अनहेल्दी होने लगता है। ऐसी नहीं, ये तो आपने इफेक्ट बता दिया कि डोपामाइन रिलीज हो रहा है, इसके द्वारा ऐसा कुछ हो रहा है। हम ये जानना चाहते हैं इसके पीछे कॉज क्या है, रीजन क्या है, क्यों आप लोग ये चाहते हो कि दुनिया आपको पसंद करे, वो तो इफेक्ट हो गया कि ठीक है आपने फिजिकली बता दिया डोपामाइन रिलीज हो रहा है ब्रेन से। महाराज जी ह्यूमन टेंडेंसी है, अच्छा ह्यूमन का एक नेचर है, छोटा सा बच्चा है वो भी चाहता है कि मुझे पसंद किया जाए, चाहता है कि हर एक, ये ह्यूमन का नेचर है। तो कैसे पॉसिबल होगा कि एक फोटो अपलोड करने से दुनिया आपको लाइक करने लगेगी, थोड़े से बताना। कोई बहुत अच्छी मेकअप वाली फोटो, बहुत अच्छी ज्वेलरी वाली, बहुत अच्छी ड्रेस वाली, क्या 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 कोई साइट सीन, कोई अच्छा व्यू पॉइंट, वहां जाकर के सपोज बेड़ा घाट गया, बंदर कूदनी चले गए, धुआंधार चले गए, वहां अपने फोटो शूट कराया और वहां की फोटो अपलोड कर दी, ठीक है। मात्र कुछ फोटो डालने से, कुछ अपलोड करने से, अथवा कोई स्टोरी अपलोड करने से, कोई इंसिडेंट घटित हो गया आपकी लाइफ में, उसको आपने अपलोड कर दिया, उससे क्या होगा? उस टाइप की लाइकिंग चाहते हैं आप? किस टाइप की लाइकिंग चाहते हैं? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अनिल कुमार जैन, वाइस प्रेसिडेंट पारस चैनल, व श्रीमती सीमा जैन, श्री असीम कुमार एवं श्रीमती हिमानी जैन, चिन्मय जैन नोया, एविका जैन याना, श्री अनुज जैन व श्रीमती सोनम जैन, कियान बाबू, श्री अक्षय जैन छोटू भैया।